बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राय। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राय, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। पुरानी बस्ती आ गया चश्मा में बन ए कितना दन अटल बिहारी प्लेट कंड बन कंटे कटा कितने का काम आ गए पूरा मेला आ गया पूरा जितना स्टोर है पूरा माला मार्केट आ गया। अब कौन सा गाना सुनाया आप बजा दीजिए। गोपाल दास नीरज की लाइन है कि हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। अब कोरोना काल के इस लॉकडाउन में कुछ लोग फकीर हो गए, कुछ को इसने बावला बना दिया कसम से। घर में बैठे बैठे आदमी इतने बावले हो गए कि वो रेल मंत्री बन गए कसम से। मंत्री ऐसे बने कि उनके घर के किसी कोने में लाल बत्ती डली हो कसम से। अब लॉकडाउन से पहले वो अच्छे भले थे, लेकिन अंदर घुसे घुसे बावले ही नहीं सीधे सीधे रेल मंत्री बन गए कसम से। जैसे कपड़ा पहले थे जैसे फोटो में क्या मजा। अब रेल मंत्री हो घर से नहीं निकल रहा तो कछु बात तो ठीक है। जैसे आपको ठीक है, जैसे आपका नाम है शकली है। अरे वाह गणेश सांग सरकार है, हम ऐसे नहीं जाते हैं कि 10 कलेक्टर आए तो उसके साथ में पूरे मैडम है और आपके भैया हैं, ठीक है ऐसे है। लाल बत्ती कहाँ रही है, दिखा नहीं रही, कहाँ रखी? अरे कुछ बत्ती नहीं, लाल बत्ती है, सुकात है, भगवान तुम्हें हो तमही तुम्हें लेते हैं, क्या करो रहते हैं। तुम्हारी गाड़ी हमने उठवाई है, उठाई के नहीं, एक जूता मारी है सब लोग। हम तो डरा नहीं है, अकेले हैं, पिताजी हैं, सब हैं, उनको नाराज हो रहे हैं सवेरे से। अब तो झूठ बोले चाहे कछुआ, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे 10 लट मारे, हम क्या करें, हम तो सबको हो रहे नाराज। ये देख लिए, हमें तो छूट है राशन 20 करोड़। नंबर कौन सा है वो? दंदनी दंदना नंबर 80 करोड़ का 20,000 आ गया। तो कैसे मैडम, जो मैडम को सिखाओ, 1,656 20 करोड़ का हिसाब आ गया। कितने पैसे बच गए? 20 करोड़। 10,000 रुपये हर महीना बच रहे आपको, हैं? खर्च काट गए तुम्हें 10,000 रुपये आ रहे, तो मुद की नहीं। हाँ आप बता दें, हम गए लॉकडाउन ने जमाने को बेरोजगार बना दिया, लेकिन इन्हें रेल मंत्री बना दिया। अब सिंधिया जी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तड़प रहे, सोच रहे हैं जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन वो मंत्री बने न बने बिना विस्तार किए मंत्री जरूर बन गए कसम से। बावले पन के मंत्री बन के फिट आने की है जोरदार दास्तां। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाणा इलाके के खाण गांव से जुड़ी है, जहां गणेश राम जड़ार इस लॉकडाउन में घर के अंदर रहे और जरा सा मानसिक संतुलन खो बैठे कसम से। का इनकी अपने वे देखे गणेश राम कैसी स्थिति है तीन की पहले गणेश राम की अब खराब है, का है स्थिति? तो का में लॉकडाउन की बात खराब हो गई भाई, अब तो दुनिया से ऐसा अब आज है वो तो और लॉकडाउन की बात हो गई खराब। गांव में ऐसा ही है, वे तो फाल्ट से रहते हैं और पहले तो अच्छी थी कुछ, यानी ऐसी कोई उनको दिक्कत वगैरह की? कब से यानी लॉकडाउन के बाद घर में घुसे रहते थे? नहीं पहले तो अच्छे थे, लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति हो गई। अभी क्या है, अब क्या है उनकी स्थिति, अब क्या है वर्तमान में? अभी भी गड़बड़ है। क्या कहते रहते अपने आप को? अरे भी तो मंत्री समझते हैं खुद को अपने आप को। इस बार पुलिस के डंडों से लोगों को बड़ा सदमा लगा है, पुलिस ने बिना गिने इतने डंडे मारे जो आदमी को विचलित कर गए कसम से। तीन टाइप के लोगों के लिए लॉकडाउन बड़ा घातक रहा है। पहले वो जिनकी बीवियों से पटती नहीं है, लॉकडाउन में जो जबरन घर में रहे,
ऐसे पतियों का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है कसम से। दुनिया में एक बात जमकर विख्यात है कि घरवाली के तानों में इतनी ताकत होती है कि यमराज को अगर खरी खोटी सुना दी जाए तो सारी पोथी पत्री वो भूल जाएंगे और किसी को उठाने आए थे और किसी को उठा ले जाएंगे कसम। मलकन मातन कंड महादल कलबन मोते नार करवा दंतल। आगे भोपाल कैसे बात है? दिल्ली जाने हमारे ट्रेन से क्या करें तो भाई, आप बिना चले जाओ, पास बना दे यार। पास यही है गणेश साहब सरकार, बस धन्यवाद। तो को पूछे तो जा कहते हैं कि रेल मंत्री से पूछ के आए हैं। अरे भगवान, कोई से नहीं पूछो, कोई परेशान आप ही हो, आप ही हमें डांट दोगे तो पागल है गणेश साहब। चलो भगाओ ठीक है। अरे लॉकडाउन में संसार पूरा है, हमारा तो लॉकडाउन का 20,000 रुपया जाना ठीक है। जब न करो घर से तो भाई हम पैदा गाड़ी जीप जाना आपके साथ, गाना चलेगा फिल्म का। हमारे पहले की पहला एक चक्का हो गया ठीक है। ऐसे लोग जब खतरनाक बीबियों के साथ रहे तो उन्हें संसार की कोई मेडिसिन नहीं बचा सकते है कसम। कुछ घरवालियों की जीवा में साक्षात तलवार होती है जो सिर्फ काटने का काम करते है कसम से। दूसरे वो युवा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे जिनके जीवन का असूल ही लड़कियों को निहारना होता है कसम से। ऐसे युवा घरों में बंद रहकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। तीसरे वो लोग हैं जो अकेलेपन में दीवारों से बात करते रहे और बावले हो गए कसम से। गणेश राम लॉकडाउन के तीसरे नियम का शिकार हुए जो घर बैठे मंत्री बन गए कसम से। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, बहुत से जिले खुल गए हैं। बीबी के घर में सताए लोग 3-4 दिन खुली हवा में देर रात तक घूमे, उनके ठीक होने की उम्मीद जताई गई है कसम। नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद अगर घर में बने रहे तो आप भी घरेलू विकास मंत्री बन जाएंगे कसम से। लक्ष्मी पांडे ढाणा के साथ राहुल सिंह, हिलगंज, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाणा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।